क्लास आई एम मैथिंग हरेगा जानवर एस एस सी से टुडे वी विल कम टू टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर फोर क्लाइमेट. इन द लास्ट टू चैप्टर यू हैव रीड अबाउट द लैंडफॉर्म एंड द ड्रेनेज ऑफ द अवर कंट्री. हमने लास्ट चैप्टर में हमारे लैंडफॉर्म के बारे में पढ़ा था और हमारी कंट्री के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा था. देयर आर द टू और द थ्री बेसिक एलिमेंट. यहाँ पर दो तीन बेसिक एलिमेंट हैं. दैट वन लर्न अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो कि हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को लर्न करने में हेल्प करते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द थर्ड. यहाँ पर हम थर्ड चीज के बारे में पढ़ेंगे. दैट इज़ द एटमोसफेयर, जो कि हमारा एटमोसफेयर है. कंडीशन दैट प्रिवेल ओवर द कंट्री, जो हमारी कंट्री की कंडीशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे. व्हाई डू वी वेयर द वूलन इन द दिसंबर, हम दिसंबर के मंथ में क्यों वूलन क्लॉथ पहनते हैं. एंड व्हाई इट इज़ हॉट एंड द अनकम्फर्टेबल इन द मंथ ऑफ द मई. हम मई मंथ में इतना अनकम्फर्टेबल फील करते हैं और इतना हॉट फील करते हैं क्यों. एंड इट इज़ अ रेन इन द जून और जुलाई में रेन होती है, क्यों होती है. द आंसर टू ऑल दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड आउट बाय द स्टडिंग अबाउट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. इन सब के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे. क्लाइमेट, क्लाइमेट रिफर टू सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशन. जो क्लाइमेट है वो टोटल जो वेदर की कंडीशन है उसी को क्लाइमेट कहते हैं. एंड द वेरिएशन, और इसमें जो भी वेरिएशन आता है वो भी इसमें इंक्लूडेड है. ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ अ लॉन्ग पीरियड, एक लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग पीरियड के लिए ये होता है. मोर देन द 30 ईयर्स. वेदर रिफर टू द स्टेट ऑफ द एटमोसफेयर, और जो वेदर होता है वो एटमोसफेयर की कंडीशन होती है. ओवर द एरिया एंड एनी पॉइंट ऑफ द टाइम, जो कि एक निश्चित पॉइंट के लिए होती है. द एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड द क्लाइमेट आर द सेम, दोनों के जो एलिमेंट हैं वेदर के और क्लाइमेट के दोनों के सेम हैं. टेम्परेचर एंड एटमोसफेयर, टेम्परेचर एटमोसफेयर प्रेशर विंड ह्यूमिडिटी वेदर एंड द क्लाइमेट आर द सेम. वेदर और क्लाइमेट दोनों के एलिमेंट सेम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर एटमोसफेयर एंड विंड ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन, दीज आर द एलिमेंट ऑफ वेदर एंड द क्लाइमेट. यू मे हैव ऑब्जर्व दैट द वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे. मतलब ये डे के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, डे के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग. बट देयर इज़ अ सम कॉमन पैटर्न, परंतु कुछ ऐसे पैटर्न भी हैं जो कि दोनों में कॉमन है. ओवर अ फ्यू वीक, कुछ वीक के लिए या फिर कुछ मंथ के लिए भी हो सकते हैं. जैसे डेज आर द कूल, जैसे दिन यदि ठंडे हैं या फिर हॉट हैं या फिर गर्म हैं, जैसे गर्मियों के मौसम में काफ़ी हॉट डे होता है. एंड द विंडी और द और जब मानसून सीजन आता है तब जो विंड्स हैं वो ब्लो होती हैं. एंड द क्लाउडी और द ब्राइट, कई बार जब बारिश होने वाली होती है जो क्लाउड होते हैं वो होने लगते हैं. एंड द वेट और द ड्राई, और कई बार जो सीज़न है वो ड्राई भी होता है. ऑन द बेसिक ऑफ द जनरलाइज द मंथली एटमोसफेयर कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू द सीजन. कई बार ये सीज़न के अकॉर्डिंग भी चेंज होता रहता है. सच एज द विंटर समर और द रेनी सीजन. जैसे विंटर का सीज़न है तो विंटर के सीज़न में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, समर सीज़न है तो जो डेज हैं वो हॉट रहेंगे, और रेनी सीज़न है तो उसमें बारिश होगी, जो सीज़न है वो वेट रहेगा. द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू अ नंबर ऑफ द क्लाइमेटिक रीजन. जो वर्ल्ड है वो क्लाइमेटिक रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है. डू यू नो वट टाइप ऑफ द क्लाइमेट इंडिया हैज, क्या आपको पता है कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो किस प्रकार का है. व्हाई इट इज़ सो, और ऐसा क्यों है. वी विल लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर के अंदर यही सब पढ़ेंगे. द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज डिस्क्राइब एज द मानसून टाइप. जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मानसून टाइप का है. इन द एशिया दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड मेनली इन द साउथ एंड द साउथ साउथ ईस्ट. जो इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मेनली साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट में डिवाइडेड है. डिस्पाइट ऑफ द ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर द
perceptible reason variation in the climate condition within the country. Let's take two important elements. चलो हम इसके two element देखते हैं, temperature and the precipitation. The examine how they vary from the place to place and the seasonal to season. और ये कैसे place to place change होते हैं और season to season change होते हैं. In the summer, the mercury occasionally touch the 50 degree centigrade in the some part of the Rajasthan. And whereas it may be around the 20 degree centigrade and the Jammu and Kashmir on the winter night, temperature of the grasses in the Jammu and the Kashmir may be the low minus 40 degree centigrade. And Thiruvananthapuram, the other hand, many the have the temperature the 22 degree centigrade. मतलब सभी की सभी जगह जो टेम्परेचर है वो सेम टू सेम नहीं होता है, सभी जगह डिफरेंट डिफरेंट होता है. जम्मू कश्मीर में जितना टेम्परेचर है ज़रूरी नहीं है कि तिरुवनंतपुरम में भी सेम उतना ही टेम्परेचर हो, दोनों में डिफ्रेंशिएशन पाए जाते हैं. इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो. थैंक यू सो मच.